में एक युवक घायल बताया जा रहा है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं भरतपुर की। ये खबर, पारिवारिक विवाद के बाद पथराव और फायरिंग हुई है। हथियार के साथ एक शख्स कैमरे में कैद हुआ है और वो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। पथराव और फायरिंग में एक युवक घायल बताया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। भरतपुर से ये बड़ी खबर, पारिवारिक विवाद के बाद पथराव और फायरिंग की घटना हुई है। हथियार के साथ एक शख्स कैमरे में कैद हुआ है। पथराव और फायरिंग में एक युवक घायल बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता ललितेश कुशवाहा, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ललितेश, पारिवारिक विवाद के बाद पथराव और फायरिंग का मामला सामने आया, क्या अब तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई मामले में हुई है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, दोनों पक्षों के एक एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज करा दिया गया है। हालांकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक जो पीड़ित पक्ष है उसने मामला भी दर्ज कराया है और पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। एक व्यक्ति जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है दुनाली बंदूक से फायर कर रहा है। तो हालांकि पुलिस का कहना है कि पथराव जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि अगर ऐसा कोई मामला आया है तो इसकी पूरी जानकारी की जाएगी। जी ठीक है नवीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।